हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे आखिर सुहागन स्त्री अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है और इसके पीछे का धार्मिक कारण और विज्ञान क्या कहता है, ये हम जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आखिर हमारा धर्म क्या कहता है। हिंदू धर्म में स्त्री अपने माथे पर बीच में सिंदूर लगाती है, यह सुंदरता का एक लक्षण भी माना जाता है तथा स्त्री के सुहागन होने का निशानी मानी जाती है। ये तो हो गया धार्मिक कारण, अब इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है ये हम जान लेंगे। सिंदूर यह हल्दी, चूना तथा पारा के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके मूलभूत गुणधर्म की वजह से रक्तचाप काबू में रखता है। इसके अलावा वह स्त्री की कामुकता को भी बढ़ाता है और यही वजह है कि विधवा स्त्री ने सिंदूर लगाना वर्ज्य माना गया है। अधिक लाभ होने के लिए सिंदूर को सिर में सामने बाजू में स्थित पीयूष ग्रंथि के भाग को भी समाविष्ट करते हैं, जहां पर हमारी भावनाएं काबू में की जाती है। पारा यह तनाव से मुक्ति पाने में भी मददगार होता है। सिंदूर के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड तक लिया जाता है। ये है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।